मैं संदीप तिवारी एक बार फिर सभी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट बिथालोक पे। मैथ्स की चल रही क्लास में आपको एडवांस मैथमेटिक्स का जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसी के आगे की क्लास लेकर आज हम आए हैं। आज की क्लास में हम कोन के आगे का पार्ट फ्रस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में छिन्नक कहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो आप सबसे पहले कोन को भी जरूर पढ़िएगा अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है, और भी जो चीजें हमने 3D में पढ़ाई उसको भी जरूर पढ़िएगा, तभी जाकर के सारी चीजें आपके स्पष्ट हो पाएंगी, तभी सब क्लियर हो पाएगा। जैसे अभी तक के सारे टॉपिक को हमने क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है, उसी उद्देश्य से उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रयास फिर करेंगे कि आज आपके जहन में फ्रस्टम को उतार दें, मतलब छिन्नक को हम आपके दिमाग में डालें कि छिन्नक का क्या सिस्टम होता है और कैसे इसकी उपयोगिता है और किस तरह के प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में आते हैं। इतनी सारी बातों को लेकर के छिन्नक की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, टॉपिक हम लोगों ने यूज किया होगा, मतलब पढ़ा होगा, आप लोगों ने समझा होगा कि इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम, फ्रस्टम को हिंदी में हम लोग छिन्नक कहते हैं। अब आप छिन्नक को देखिए तो आप प्रयोग में जरूर छिन्नक को लाए हैं, बस उसको मैथमेटिकली यूज नहीं किए हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो छिन्नक को हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कि छिन्नक का सिस्टम है क्या। आपने कल कोन पढ़ा तो कोन में हमने आपको चीजें बताई कि इस प्रकार का एक सर्फेस होता है जिसको हम लोग सर्कुलर सर्फेस की बात करते हैं। एक सर्कुलर सर्फेस को एक स्लैंट हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे आपने यहाँ पे मेले का तंबू देखा था, जैसे आपने जो है किसी एक जोकर की कैप देखी थी, जिस प्रकार से आपने जो है कोई भी एक आइस कोन देखा था, इस प्रकार की तमाम सारी चीजों पे हमने कोन को आपको डिस्कस किया था, कोन आपको बताया था। कोन में सब क्यों पता है कि क्योंकि नीचे सर्कुलर बेस होता है तो आधार की अपनी एक त्रिज्या होती है, और इसका जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु से उस केंद्र के, मतलब उस वृत्त के केंद्र की दूरी को हम लोग ऊंचाई कहते थे। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, जैसे घर में हम लोग देखते हैं बाल्टी होती है हमारे यहाँ, मैंने एक चीज आपको बताया था कि जैसे इसमें क्या है कि यहाँ पे एक तरफ तो आधार होता है, दूसरे तरफ केवल बिंदु होता है, मतलब वहां पे कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता है, मतलब वहां आधार नहीं होता है। लेकिन जब आप बाल्टी को देखिएगा तो बाल्टी आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगी कि अगर इसी कोन टाइप के किसी एक सरफेस को, किसी एक वस्तु को लेकर के हम यहाँ पे बीच में से, हम यहाँ बीच में से अगर हम इस प्रकार से कुछ कट कर देते हैं, ऐसे काट करके हम निकाल देते हैं, मतलब काट के ना निकाल दे, कुछ इस प्रकार से हम ऐसे सोच लें, मतलब इस पूरे ऊपर के पोर्शन को हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर दें, ऊपर के इस पोर्शन को अगर इग्नोर कर दें तो जो हमारे पास फिगर का निर्माण होगा वो हमारा एक फ्रस्टम कहलाएगा। मैं आपको इस फ्रस्टम को कुछ यहाँ पे इस प्रकार से दिखाऊंगा, तो जैसे आप बाल्टी देखते होंगे घर में उसी प्रकार से यहाँ पे छिन्नक का सिस्टम होता है। आप देखिएगा तो छिन्नक आपको यहाँ से पूरी तरह से समझ में आएगा और हम इसके पूरे टर्म को आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा किस प्रकार से पूरा एक कोन रहा होगा, कोन से एक नियत बिंदु से, मतलब उसके शेष बिंदु से एक नियत ऊंचाई तक चीजों को काट कर निकाला गया है, या ऐसे मत समझिए काट कर निकाला गया, ऐसे सोचिए कि यहीं तक बनाया गया है। अभी तक क्या था कि हमारे पास केवल और केवल एक सतह होती थी जब कोन था पूरी तरह से, लेकिन अब की बार अगर हमने नोटिस किया तो यहाँ पे केवल एक सतह नहीं होती, दो सतह हमारे पास बनकर आई, दो वृत्त बनकर आए। फर्क बस इतना है कि दोनों वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो अलग अलग हैं, इसका मतलब दोनों के आधार का जो बेस है वो हमारे पास, आप इधर से चाहे तो पलट के रख सकते हैं, उधर से चाहे तो पलट कर रख सकते हैं, किसी भी साइड से फिलर बना सकते हैं। कि जैसे आपने एक चीज देखा होगा, जो मिल्क सेलर होता है, दूध का विक्रेता होता है, उसके पास भी इसी प्रकार का एक फनल रहता है जिसमें नीचे भी सरफेस होता है, ऊपर भी रहता है, ऊपर भले इस प्रकार से कुछ ऐसे बनाया जाता है जिससे कि यहाँ पे मिल्क को निकाल सके, बैलू उसमें से मिल्क जो है किसी दूसरे बकेट में डाल सके, तो इस प्रकार से उसके पास भी यही सिस्टम रहता। तो मैं अगर देखूं दोनों तरफ हमारे पास एक वृत्त है तो वृत्त की जो स्थिति होती है उसको हम लोग नोटिस कर सकते हैं, मतलब उसका अपना एक केंद्र होगा, यहाँ से इसकी इस दूरी को हम उसकी त्रिज्या कैपिटल आर कहेंगे। मान लीजिए हम इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर कह रहे हैं। साथ साथ हमने एक चीज और देखा कि यहाँ भी एक वृत्त है तो वृत्त की अपनी भी एक त्रिज्या इसकी भी बनेगी, जिसको हम लोग स्मॉल आर कह सकते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल आर कहेंगे। अब अगर हम इस केंद्र को इस केंद्र से मिला दें तो यहाँ से यहाँ तक की एक ऊंचाई बनेगी जिसको हाइट इसकी कहेंगे, मतलब एक ऊंचाई हमारे सामने बनकर आई। तो अब हमारे पास एक जो फिगर बनकर आया यही छिन्नक है। अब बात को समझिएगा आप लोग, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले समझिए कि यही एक छिन्नक है और इस छिन्नक को हम कैसे इवेलुएट करेंगे, क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो जैसे तमाम 3D फिगर्स को हम लोग नोटिस किए हैं जिसमें सबकी अपनी एक कैपेसिटी होती थी, उसी प्रकार से इसकी भी अपनी एक कैपेसिटी, मतलब क्षमता होगी इसमें भी। अब आपको ये भी चीज पता हो गई कि यहाँ पे जो लेंथ है, जैसे इस लेंथ की बात किया जाए तो इसको आप स्लैंट हाइट कहते हैं, चाहे इधर से नोटिस करिए चाहे इधर से नोटिस करिए, तो यहाँ भी एक स्लैंट हाइट L कहेंगे। जैसे और फिगर में हमने अभी कोन में हमने आपको बताया कि वहां भी एक स्लैंट हाइट होती थी, जैसे एक तिरछी ऊंचाई,
और उस तिरछी ऊंचाई को हम लोग फाइंड करने के लिए त्रिज्या लेते थे और ऊंचाई लेते थे, और उस त्रिज्या और ऊंचाई को जैसे लंब स्लंब और आधार को मान करके हमने समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेनस मतलब कर्ण निकाला था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऊंचाई ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कोण में ज्ञात किया था वैसे इसमें भी ज्ञात करेंगे, बट प्रॉब्लम इसमें है कि समकोण त्रिभुज यहाँ पे रियली आपको समझ में नहीं आ रहा है। पहली चीज समझिएगा कि आप स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, इसमें भी इसके पूरे सतह को अगर मुझे पेंट कराना हो, केवल और केवल दो प्रकार के सतह को हम नोटिस करते हैं। जैसे हमने कहा था कि आप कर्ण को यूज कर सकते हैं पूरी तरह से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को यूज कर सकते हैं, टोटल सरफेस को यूज कर सकते हैं, पूरे सतह की बात कर सकते हैं, साथ साथ इसकी कैपेसिटी की बात कर सकते हैं। जो अन्य प्रकार के स्थितियां होती कुछ यही हमारे सामने कि हम यहाँ पे स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हम टोटल सर्फेस का एरिया निकाल सकते हैं, साथ साथ इसकी क्षमता या आयतन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके स्लैंट हाइट की बात करेंगे, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। बात को समझने की कोशिश करिएगा, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम इंग्लिश में स्लैंट हाइट कह रहे थे, और स्लैंट हाइट को हमने जनरली यहाँ पे यल से इंडिकेट किया। बड़ा कंफ्यूजन है, अगर इस प्रकार का कोई फिगर होता, ऐसे कोई फिगर होता तो हम लोग तुरंत देख करके बता देते कि 90 डिग्री बन रहा था ये, हमारे पास अगर आर कह देते, इसको एच कह देते, तो हम तुरंत इसको एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कह सकते थे। बट यहाँ कन्फ्यूजन है, यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि एल का मतलब अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार के आर है। तो जब आपको यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालनी हो तो आपको इस तरह का एक सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे जो स्लैंट हाइट एल बनेगा उसको कैसे ज्ञात किया जाएगा, समझिए। आप एक काम करिए, जो ये बिंदु है यहाँ से एक लंब इसके ऊपर डालिए, और लंब जो पड़ा उसकी ऊंचाई इस एच के बराबर होगी। अब जब ये आकर के लंब ही पड़ा है तो यहाँ पे एक समकोण बनाएगा, और आपको पता है कि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर थी, अगर स्मॉल आर थी और ये पूरी लेंथ यहाँ पे कैपिटल आर थी तो आपको ये बात का अंदाजा हो चुका होगा कि ये लेंथ हमारे पास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगी। अगर हम लोग इसकी बात करें केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगी, और ए आपके पास क्या रहेगा, एच रहेगा। इस वैल्यू एल को हम क्या कह सकते हैं बताइए, अंडर रूट एच स्क्वायर, क्योंकि हाइट तो वही है, बट यहाँ पे जो ए लेंथ है मेरे सामने आपने देखा कि आर स्क्वायर माइनस आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे कर्ण का यूज करते थे, कर्ण को हम फाइंड करने के लिए आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग करते थे, सेम स्थिति यहाँ पर भी हमारे सामने बनकर आ रही है कि यहाँ पे आप इस लेंथ हाइट को निकालने के लिए इस लेंथ का स्क्वायर करेंगे और इस लेंथ का स्क्वायर करेंगे और उसको अंडर रूट में रख देंगे तो हमें यहाँ पे स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। ये तिर्यक ऊंचाई हो गई, जिसको आप लोग समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कैसे निकाला गया। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे करें सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया में मैंने आपको बताया सतह का, जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता होगा दो प्रकार से निकाला जाता है। एक आप यहाँ पे सी एस ए फाइंड करते हैं, जिसको आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। दूसरा आप टोटल सरफेस एरिया टी एस ए फाइंड करते हैं, जिसको हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। मैंने हर फिगर में इस बात को बताने की पूरी कोशिश करी है कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, चाहे वो घनाभ रहा हो, चाहे वो घन रहा हो, चाहे वो आपका बेलन रहा हो, चाहे वो शंकु रहा हो, हर प्रकार के फिगर में मैंने इस बात को बताने की पूरी कोशिश करी है कि सी एस ए क्या है और टी एस ए क्या है। तो सी एस ए का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे आपको इस पूरे छिन्नक के बाहरी सतह को पेंट कराना है, बाहरी सतह पर कोई स्टीकर लगवाना है, किसी प्रकार का कोई काम करना है जो हमें छत पे नहीं कराना है और फर्श पे नहीं कराना है, मतलब इस सतह का प्रयोग नहीं करना है और इस सतह का प्रयोग नहीं करना जो इस प्रकार की सरफेस है उसी पे प्रयोग करना है। तो कल आपने देखा कि हम कैसे यहाँ पे सी एस ए फाइंड कर सकते थे, इसके लिए मैंने एक तरीका इस प्रकार से आपको बताया। आपको पता है कि ये सर्कल है, अब पूरी चीज को तो हम यहाँ पे बाउंड्री पे दिखा नहीं सकते, भले ऐसे सोचा जाए इस प्रकार से सर्कल बना होगा, इसका अपना एक केंद्र होगा, इस केंद्र से इस लेंथ को मिलाएंगे तो आपको पता है कि यल मिलता है, जिसको हम स्लैंट हाइट कह रहे थे, यहाँ पे हम इसको यल कह सकते थे, यल हमारे पास लिखा हुआ है। इस पूरी लेंथ को हम पूरे वृत्त को मान के चल रहे हैं, जैसे अभी तक आपको जब मैंने इसको वृत्तखंड में पढ़ाया था तो उस समय भी मैंने इस चीज के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दी थी। अब इस पूरी लेंथ को हम 2πr मान लेते हैं, 2πr मतलब क्योंकि वृत्त का जो परिधि होती है 2πr होती है। आप इसको नोटिस कर लीजिए, जैसे एक कागज का टुकड़ा आप अगर उठाएं तो कागज के टुकड़े को कुछ इस प्रकार से अगर यहाँ पे काट कर देखें, हम इसको आप ऐसे समझा देते थे कि इस प्रकार से अगर हम कागज के टुकड़े को, जैसे कभी एक मूंगफली का सेलर मूंगफली बेचता है या चुरमुरे वाला जो चुरमुरा बेचता है, तो इस प्रकार से अगर आप नोटिस करिए तो इसको पूरा अगर काट करके निकालिए ऐसे ही,
काट कर निकालिए तो जो हमारे पास इस प्रकार की सतह बनेगी, इस तरह की स्थिति हमारे सामने बनेगी, वही हमारी क्या रहेगी, सतह बोली जाएगी। और वह सतह एक वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त का परिधि आप कैसे फाइंड करते हैं, 2πr से फाइंड करते हैं। और इस लेंथ को, जैसे इसका जब क्षेत्रफल निकाला जाता था तो क्षेत्रफल हो जाता था 1/2 गुणे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब 2πr इंटू स्लैंट हाइट, यहाँ पे त्रिज्या मानी जाएगी, जो वहां पे त्रिज्या होती थी r, यहाँ पे l किया, 2 से कटा, तो πrl हो गया। अब क्योंकि हमारे पास दो स्थितियां हैं, एक तो इस त्रिज्या को लेकर करने की, एक तो उस त्रिज्या को लेकर करने की है, तो दोनों त्रिज्याओं के हिसाब से हम यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो मैं आपको दोनों सरफेस एरिया फाइंड करके आपको समझाता हूँ, देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कह रहे थे CSA, CSA को हम इंग्लिश में कह रहे थे कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, जिसको हम हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। वक्र पृष्ठ का मतलब दीवालों का क्षेत्रफल, आप लोग समझे रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब जरूरत तभी होती है जब क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको वक्र पृष्ठ का नहीं बोला जाता है, बोला होता है हमसे डायरेक्टली, उसने दीवालों के क्षेत्रफल की बात कर दी, दीवालों पे कोई काम करवाना हो ऐसी बात कर दी, तो हमें यह बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे उस फिगर के किस फार्मूले को अप्लाई करना है। इसलिए आपको कर्व से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों तरफ से पृष्ठ को हम नोटिस करेंगे, हम इधर से भी नोटिस करेंगे, उधर से भी नोटिस करेंगे। एक तो पाई आरएल बनेगा, पाई आरएल बनेगा प्लस पाई कैपिटल आरएल बनेगा, एक स्मॉल पाई आरएल बनेगा, पाई कैपिटल आरएल बनेगा। अगर मैं पाई कॉमन कर लेता हूं तो यहां पे आर प्लस आर इंटू एल हो जाएगा। यही आपका CSA बना, यही आपका कर्ड सरफेस एरिया बनकर आ रहा है। पाई आर प्लस आर इंटू एल कर देंगे, मतलब आपको इस बाहरी त्रिज्या मतलब बड़ी त्रिज्या प्लस छोटी त्रिज्या को पाई से मल्टीप्लाई करना है, साथ साथ एल मतलब जो स्लैंट हाइट हमने फाइंड कर रखा है, इस स्लैंट हाइट से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जब आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तो इसी प्रकार से आपका टोटल सरफेस एरिया भी होता है। अब आप समझ सकते हैं टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, जिसको हम इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया कहेंगे या हम इसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे। आप इस तरह की बातें हमें जरूरत में कब आती है आप समझिएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आप सोचिएगा कि संपूर्ण पृष्ठ मतलब आप ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं जब हमको कभी जरूरत पड़ जाती है कि हम छत पे भी सारा काम करवाएंगे, फर्श पे भी करवाएंगे, मतलब एक ऐसा कपड़ा खरीदेंगे जो कि पूरी तरह से पूरे छिन्नक को कवर कर ले, उसको ढक ले। तो उस कपड़े को खरीदने के लिए आपको नीचे की सतह भी नोटिस करनी पड़ेगी, ऊपर की सतह भी नोटिस करनी पड़ेगी, दीवालों को भी नोटिस करना पड़ेगा, और दीवालों पर एग्जैक्टली फिट हो ऐसी मुझे कपड़े की परचेजिंग करनी है। जैसे कार के ऊपर कार की जो है कवर आती है, उसी प्रकार से कवर आपको लेना है और पूरे एक सरफेस को कवर करना है। जब कवर करना है तो मुझे टोटल सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी, और टोटल सरफेस एरिया इसमें तुरंत हम निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको बताए हैं कि CSA होगा प्लस बेस एरिया होगा। CSA मतलब आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया होगा, साथ साथ यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया होगा, आधार का क्षेत्रफल होगा। तो दोनों चीजों को हमें यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो मैं आपको कर्व सरफेस एरिया बता ही चुका हूं, तो हम कर्व सरफेस एरिया ऊपर से देखिए हटा दे रहे हैं जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आए। तो हम यहाँ पे बेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों को ऐड करेंगे, इससे हमको ज्ञात होगा टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया अभी अभी मैंने निकाला, पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस। अब बेस एरिया की बात करें तो दो वृत्त हैं मेरे सामने, एक वृत्त आपका बड़े त्रिज्या के साथ है, एक वृत्त आपका छोटी त्रिज्या के साथ है। तो मैं लिख सकता हूँ पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब मैं चाहूँ तो पाई प्रत्येक से कॉमन कर दूं, अगर जैसे ही पाई आपने प्रत्येक से कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर प्लस आर बनेगा इंटू एल बनेगा, प्लस यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर बनेगा प्लस आर स्क्वायर बनेगा। इस प्रकार से हम TSA फाइंड कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, पाई आप बाहर कर लीजिए, एक बार आर को आर से जोड़िए, इंटू स्लैंट हाइट करिए, प्लस आर स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे टोटल सर्फेस एरिया प्राप्त हो जाएगा। टोटल सर्फेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। बात आई अब जो है इसके कैपेसिटी की, इसकी क्षमता की, इसका आयतन एक्चुअली क्या है। आयतन को देखिए फार्मूले पे तो बता दें, लेकिन आपको अगर हम समझाएंगे तो पूरी चीज को समझना यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब कैसे फार्मूला बना और किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहली चीज तो मैं क्षमता का फार्मूला आपको लिख के दिखा देता हूँ कि क्षमता है कितनी, आयतन जिसको हम वॉल्यूम कहेंगे, मतलब इसके अंदर कितनी लिक्विड हम यहाँ पे डाल सकते हैं, इसकी पूरी कैपेसिटी कितनी है। तो आयतन का फार्मूला सिंपली 1/3 पाई एच, और यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर होता है, ये आपका आयतन है। लेकिन हमेशा ये सारी स्थिति आपको नहीं दी जाएगी, मतलब जैसे एकदम से यहाँ पे जो जो फार्मूले में जरूरत है, जैसे मुझे जरूरत क्या है, बड़ी त्रिज्या की, छोटी त्रिज्या की, इसकी ऊंचाई की, साथ साथ पाई की,
मतलब इतनी चीजें अगर दी गई हैं तो हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे फार्मूले को तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने अलग अलग परिस्थितियां रहेंगी और हमें जरूरी नहीं कि फार्मूला याद ही रहे, ऐसे के लिए हमें फार्मूले का डेरिवेशन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, कैसे फार्मूला बना। तो आप इस बात को अगर समझेंगे तो दो तीन चीजें होगी आपके साथ। एक तो पहली चीज, तो फार्मूले के साथ साथ फिगर पे कमांड होगा, साथ साथ आपकी न्यूमेरिकल पावर भी बढ़ेगी, मतलब आप काम कर सकेंगे अच्छे से। अगर इस प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, किसी प्रकार का ऐसा प्रश्न आता है जिसको आप देखिएगा, तमाम आप प्रश्न आपको किताबों में मिलेंगे जहां पे पूरे कोण में से फ्रैक्टम बनाने की स्थिति आपके सामने होगी। इसलिए फार्मूले का डेरिवेशन थोड़ा सा सीखना जरूरी है। तो मैं आयतन आपको निकाल करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे निकाला जाएगा। तो आयतन निकालने के लिए देखिए, जो फार्मूला बन गया, इसमें तो हमें कैपिटल आर दिया था, स्मॉल आर दिया था, इनके बीच की हाइट दी गई थी, और एल की भी जरूरत नहीं क्योंकि एल का भी यूज हो चुका है, हम लोग तुरंत बता सकते हैं। लेकिन समझिए कैसे बना। इसको बनाने के लिए हम समझते हैं कुछ इस प्रकार से कि हम मान लेते हैं कि ये पूरा आपका जो है ये कोण रहा होगा, यहां तक आपका ये पूरा कोण रहा होगा। जब ये अगर कोण रहा होगा तो इस कोण का ये वर्टेक्स हो गया, शीर्ष बिंदु हो गया। साथ साथ आप मुझे बताइए कि यहां से यहां तक इसकी अपनी एक पर्टिकुलर हाइट होगी एच। ये देखिए, इसकी एक पर्टिकुलर हाइट होगी। अगर यहां से यहां तक एच है तो आपको पता है कि यह लेंथ क्या होगी, यह लेंथ आपके पास हो जाएगी, पूरा एच था, इसमें से स्मॉल एच निकलेगा तो एच माइनस एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एच माइनस एच हो जाएगा। आपको ऐसी स्थिति में एक समतल सतह है और आपके पास एक समतल सतह है जो सबसे नीचे की सतह थी। तो आपके यहाँ जब कभी क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है कि एक हमारे पास कोण था जिसकी हाइट ये पूरी थी, जिसकी आधार की त्रिज्या इतनी थी, इससे इतनी ऊंचाई पर किसी एक समतल सर्कल को, पैरेलल सर्कल को काटा गया, जो समांतर सर्कल थी काटा गया, और काट करके उस पोर्शन को निकाला गया तो यहाँ पे एक छिन्नक प्राप्त हुआ, मतलब उसको काट करके हटाने से एक छिन्नक प्राप्त हुआ, उस छिन्नक का आयतन हमसे पूछा जाएगा। ऐसी चीजें आएंगी तो मतलब हो सकता है कैपिटल एस दिया हो सकता है, इन सारी चीजों को दिया। तो हम ऐसी बातों को लेकर के इस फार्मूले के डेरिवेशंस पे भी आते हैं, साथ साथ हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, दो समरूप त्रिभुज अगर आपने नोटिस किए होंगे, मैंने उसे त्रिभुज पूरा पढ़ाया है, दो समरूप त्रिभुज अगर आपने नोटिस किया होगा तो समरूप त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं वो आपकी प्रोपोर्शनल होती हैं। दो समरूप त्रिभुज में भुजाएं प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब इतना अगर यहाँ पे कोई मान दिया है, यहाँ कोई मान दिया तो x अपान, जैसे अगर हम इसको a कह रहे हैं, इसको x कह रहे हैं, तो a अपान x इज इक्वल टू b अपान y हो जाता है। इस समरूप त्रिभुजों की स्थिति आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने समरूप त्रिभुज आपको पब्लिक क्लास में पढ़ाया है, आप लोग वहां से एक बार जरूर देखिएगा तो आपको चीजें और स्पष्ट होंगी कि समरूपता क्या है। उसी समरूपता के लिहाज से अब आपको एक चीज उससे पहले भी बता दूं कि जैसे अगर हम इस पूरे कोण को कंसीडर करें जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी ऊंचाई कैपिटल एच है, तो उसका अपना एक आयतन होगा, उसका अपना आयतन पूरा का पूरा वी होगा, पूरे आयतन को हम वी कहेंगे, और वह पूरा आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अगर हम इस पूरे को ले रहे हैं, इस बीच वाले पोर्शन को भूल जा रहे हैं, हम यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि त्रिज्या आर है, ये पूरी ऊंचाई एच है, आपने नोटिस किया है, तो ऐसे स्थिति में आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। लेकिन मुझे इस आयतन को, मतलब इस, ये भी तो एक कोण ही है, इस कोण जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, जिसकी हाइट यहाँ पे एच माइनस एच है, को निकालना है, तभी तो फ्रैक्टम छिन्नक आप लोग प्राप्त करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पे बी वन पता कर लें, मतलब यहां से यहां तक वाले कोण को हमने बी वन कहा, ये तो वी का वॉल्यूम हो गया। अब B1 का वॉल्यूम होगा हमारे पास 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन आपको पता है किसके एच की जगह पे क्या दिया गया है, एच माइनस एच दिया है, क्या दिया है, एच माइनस एच दिया है। हमको निकालना क्या है, इस प्रक्टम को है, अगर प्रक्टम के वॉल्यूम को हम B2 कह दें, मतलब इसको हम B2 कह दें, तो आपको पता है यह B2 यही है, समझिएगा यह B2 जो होगा B माइनस B1 होगा, मतलब पूरे में से इस B1 को निकालने से प्राप्त होगा। निकाल के देखिए कैसे निकलेगा, b की जगह लिखें 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और एच की जगह क्या लिखा जाएगा बताइए, एच माइनस एच लिखा जाएगा, इसमें कोई डाउट और प्रॉब्लम नहीं है, समझते रहिएगा आप सब लोग। यहां पे भैया मैं 1/3 पाई को कॉमन कर सकता हूं तो बचेगा मेरे पास आर स्क्वायर इंटू एच माइनस 1/3 पाई, सॉरी पाई निकल चुका है, 1/3 भी निकल चुका है, तो आपके सामने जो बचा है उसको देखने की कोशिश करिएगा। तो मैंने आपको बताया कि 1/3 पाई अगर निकाल दिया तो आर स्क्वायर एच बचा है, यहाँ पे आर स्क्वायर एच माइनस एच बचा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
प्रॉब्लम थोड़ी सी अब होगी, क्योंकि आप देखिए हो सकता है एग्जाम में दोनों चीजें ना दी गई हो, मतलब ये एच ना दिया हो, यही केवल एच पता हो आपको। इस समय हम इस कैपिटल एच को स्मॉल एच से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के लिए आपको समरूपता की स्थिति को समझना पड़ेगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। उसको समझने के लिए बस इतना समझिएगा कि ए लेंथ, अगर इसको हम एक त्रिभुज माने हैं और इसको भी एक त्रिभुज माने हैं, तो दोनों त्रिभुज पहली चीज तो समरूप हैं। कौन कौन से त्रिभुज देखिएगा, अगर हम यहाँ पे इसको O कह रहे हैं, इसको A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, यहाँ पे अगर सपोज करिए O है, A है, B है और इसको हमने C कहा है, एक त्रिभुज OCB जो बना, अगर यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है, तो एक त्रिभुज OXY दोनों आपस में समरूप हैं। अगर समरूप है तो इनकी भुजाओं के बीच का जो प्रोपोर्शनल सिस्टम बनेगा, कहने का मतलब हम लिख सकते हैं एच माइनस एच अपान एच माइनस एच अपान पूरा का पूरा एच, मतलब इस छोटे त्रिभुज की एक भुजा और इस पूरे बड़े त्रिभुज की एक भुजा बराबर R बटा R हो जाएगा, कैपिटल R, ये R बटा कैपिटल R हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि हम लिख सकते हैं आर एच बराबर R इंटू एच माइनस एच लिख सकते हैं। आप सब समझ सकते हैं हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे कैपिटल H की वैल्यू को निकाल रहे थे। मैंने लिखा एच माइनस एच अपान एच बराबर R बटा R, तो मैंने यहाँ पे इसको कैपिटल H होगा, आर एच बराबर आर इंटू एच माइनस एच हो गया। तो मैं लिख सकता हूं आर एच बराबर कैपिटल आर एच माइनस कैपिटल आर स्मॉल एच। अब आप एक काम करिए, लिख सकते हैं आर एच माइनस इस आर एच को एक साइड में करिए, बराबर आपके पास ये उधर चला जाएगा तो आर एच हो जाएगा, स्मॉल आर के साथ हो जाएगा, स्मॉल एच के साथ हो जाएगा। यहां से एच अगर हम कॉमन कर लें तो एच हो जाएगा आपके सामने, यहां पे बचेगा आर माइनस आर बराबर आर एच अपान आर एच होगा, तो एच की वैल्यू पूरी की पूरी आपकी हो जाएगी आर एच अपान आर माइनस आर हो जाएगा, एच की वैल्यू आर एच अपान आर माइनस आर हो जाएगी। आप लोग इसमें हमने क्या किया, एच का मान हमने फाइंड किया। आप डेरिवेशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, ऐसे मत भागिएगा, डरिएगा मत पहली चीज कि क्या कर रहे हैं, और बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटा काम कर रहे हैं अगर मैथ के लिहाज से देखा जाए। तो मैंने क्या किया आपको बताएं, एच माइनस एच अपान कैपिटल एच बराबर हमने लिखा स्मॉल आर अपान कैपिटल आर। अब ऐसी स्थिति में हमने केवल और केवल सारे टर्म को, हमने सारे टर्म को जैसे एच को हम सारे और टर्म में रिलेट कर दिए, क्योंकि मुझे एच हो सकता है ना पता रहे, ऐसी स्थिति में मैंने एच को रिलेट कर दिया सारे टर्म में, तो कैपिटल आर मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या इस टू स्मॉल एच मतलब ये जो छिन्नक की कंप्लीट ऊंचाई थी, एच अपान कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर दिया। कभी ऐसी चीज बने तो आप कैपिटल एच निकाल सकते हैं, अगर आपको अगर ऐसा करना है तो आप कैपिटल एच यहां से निकाल सकते हैं। अब चल करके इस एच को रिप्लेस करेंगे, जहां जहां कैपिटल एच है वहां वहां हम उठा के लिख देंगे आर एच अपान आर माइनस आर। थोड़ी देर बाद आप इस फार्मूले पे पहुंच जाएंगे, इस बात को पूरी गारंटी है। देखिए एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर है ही है हमारे पास, कैपिटल एच की जगह हम लिखेंगे आर एच अपान आर माइनस आर, चलिए माइनस आर स्क्वायर है ये रहने दीजिए, एच की जगह भी हम लिख सकते हैं कितना बताइए आर एच अपान आर माइनस आर माइनस एच। डेरिवेशन पे लगिएगा तो इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को, समझिएगा एक बटा तीन पाई, अब यहां पे हम इसको लिख सकते हैं आर क्यूब एच अपान आर माइनस आर माइनस, यहां पे अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा, जैसे पहले ओपन करने से पहले आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा जैसे इसको घटाएंगे तो ये आर एच होगा माइनस, बीच में लगा है भैया आर जाके एस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आर एच स्मॉल में फिर से होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस आपका स्मॉल आर एच हो जाएगा अपान आपका आर माइनस आर बना रह जाएगा। अब इससे देखिए क्या फायदा होगा, ये दोनों टर्म पूरी तरह से कैंसिल हो गए, ये टर्म्स पूरी तरह से आपके कैंसिल हो गए, तो अब देखिए आपके सामने क्या बनकर आएगा, एक बटा तीन पाई है ही है, यहां पे आपका हो गया आर क्यूब अपान आर माइनस आर, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आर स्क्वायर जाके जब आर क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी तो आर क्यूब, और यहां पे आपके सामने कितना है आर क्यूब एच है, अच्छा यहां भी एच है, यहां भी एच है अपान आर माइनस आर। आप ऐसा नहीं कर सकते, इस एच को भी बाहर निकाल दीजिए, अगर इस एच को भी बाहर हम निकाल देंगे तो समझने की कोशिश करिएगा क्या हो रहा है, एच को भी हमने यहां पे बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा बताइए, एक बटा तीन पाई एच हो जाएगा, अंदर क्या होगा, अंदर होगा आर क्यूब अपान आर माइनस आर माइनस स्मॉल आर क्यूब अपान आर माइनस आर। चलिए हम पहुंच गए एंड पे, कैसे पहुंच गए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्योंकि यहां पे पहली चीज तो समझ लीजिए, अब आप इसको चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, एक बटा तीन पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब अपान आर माइनस आर। समझने की कोशिश करिए, अलजेब्रा में एक फार्मूला होता है आर क्यूब माइनस आर क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस आर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
प्लस आर इंटू आर। तो हम यहाँ पे r माइनस आर को कैंसिल कर देंगे तो फाइनली ये वैल्यू बचेगी 1/3 पाई h, क्योंकि h भी आ चुका है, और यहाँ पे बचेगा हमारे सामने r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r इंटू आर। अब आप अगर समझेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ये वैल्यू इसी के बराबर आ जा रही है। तो मैंने यहाँ पे फार्मूले का डेरिवेशन आपके सामने किया है, जिस डेरिवेशन से वॉल्यूम फाइंड किया जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है हमारे सामने कि डायरेक्टली आपको पूरा का पूरा दे देता है कि एक हमारे पास कौन था जिसकी पूरी ऊंचाई इतनी थी, उसके आधार की त्रिज्या इतनी थी, इतने ऊंचाई तक किसी एक जो है कौन को काट कर निकाला गया है, तो बचा छिन्नक जो हमारे पास प्राप्त छिन्नक होगा उस छिन्नक का आयतन हमको ज्ञात करना होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई हैं जो मैंने आपको बताया है, पूरी तरह से इस बात को आप स्पष्ट कर लीजिएगा, आपको हर चीज यहाँ पे क्लियर होती नजर आएगी। ये फार्मूले का डेरिवेशन करने का पूरा प्रयास करिएगा, जो हमने आपको आयतन से संबंधित बताया, हमने आपको स्लैंट हाइट से संबंधित बताया, कर्व सरफेस एरिया से संबंधित बताया, और हमने आपको किससे बताया, टोटल सरफेस एरिया से बताया। एक छोटा सा अगर एग्जांपल हम उठाएं तो हर बात को आप यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हो। वैसे बहुत बड़ा प्रश्न तो नहीं लेने जा रहे, लेकिन फिर भी एक छोटे से एग्जाम्पल से हम सारी बातों को आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आप लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिएगा कैसे अप्लाई होता है, तो उसमें अप्लाई करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कैसे देख लीजिएगा, जैसे हमसे कहा जाए कि एक हमारे पास छिन्नक है, एक छिन्नक है, और इसमें हमसे दे दिया कि ऊंचाई हमारी इस छिन्नक की 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो स्मॉल रेडियस है आपकी 5 सेंटीमीटर है, जो कैपिटल है हमारे पास ये आपकी 17 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी, तो इसकी स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई आपसे जब पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप इसको निकालेंगे, 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। आप यहाँ पे स्लैंट हाइट लिखेंगे कितना बताइए, 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर भैया 144 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, आप इसको अंडर रूट 244 कह सकते हैं, जो कि आपका मेरे ख्याल से 12√2 हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। दूसरी तरफ आप, क्योंकि 144 12 का मतलब आप समझ सकते हैं 12 का वर्ग होता है, और 2×144 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं 2×2 आप जो है नहीं लिख सकते, 144 244 हमारे सामने बना हुआ है, तो 244 को फैक्टराइज करके हम लोग यहाँ पे इन चीजों को बता सकते हैं। आगे देखिएगा, आप इसमें यहाँ पे अगर CSA की बात करते हैं तो CSA भी आराम से निकाल सकते हैं, हम पाई लिख दें, R प्लस R कर दें, तो मतलब 17 प्लस 5 कर दें गुड़े यल कर दें, जो अभी हमने यहाँ पे 2√244 निकाला है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम CSA प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं TSA की बात करूंगा तो TSA में आपको जो फार्मूला लिखाया गया है, आप पाई बाहर कर सकते हैं, R स्क्वायर R प्लस R इंटू यल कर सकते हैं, उधर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कर सकते हैं, तब भी आपको ज्ञात हो जाएगा। अगर जो मैंने आयतन का फार्मूला बताया उस आयतन से भी इसको हम आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और भी तमाम स्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है, जैसे कि अगर हमारे पास कहा जाए कि एक बड़ा सा कोन है, एक बड़ा सा कोन है, इस कोन की अपनी एक पर्टिकुलर पूरी ऊंचाई है, ऊंचाई सपोज करिए यहाँ पे 45 सेंटीमीटर या मीटर दी गई है, हमसे कहा गया उस पे उस मतलब यहाँ पे जो केंद्र है उस केंद्र से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बाद एक कोन को, उसके सपैरल जो है एक कोन को काट करके निकाला गया है, तो प्राप्त छिन्नक की हमें क्या करना है, प्राप्त छिन्नक की हमें जो है आयतन ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में हम इस त्रिज्या को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इस ऊंचाई को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट किया भी हमने, या हमसे कहा जाता कि यहाँ पे इतने समतल पर इस ऊंचाई को काट कर निकाला गया, इस ऊंचाई को निकाल सकते थे, इसकी स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं, इसका हम लोग त्रिज्या, इसका हम लोग आयतन निकाल सकते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, तमाम उन बातों को हम क्लियर कर सकते हैं जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए फ्रैक्टम को मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी, जिसमें आपको फ्रैक्टम से संबंधित हर एक बेसिक फैक्ट्स को क्लियर करने का प्रयास किया, जिसमें आपको जो उससे संबंधित फार्मूले हो सकते हो मैंने आपको बताया। अब इस क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जब हम कल आएंगे तो आपको फ्रैक्टम और कौन से संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे, जिन प्रश्नों को आपके इस पीडीएफ की क्लास के माध्यम से हम सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले दोनों फिगर्स को रिवाइज करिएगा, हो सकते हैं जितने प्रश्न आपसे संबंधित उनको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आज की इस क्लास के बाद हम मिलते हैं अगले क्लास में, और पूरी आशा और उम्मीद करेंगे कि यह क्लास आपको समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है तो आप लोग पूरे क्लास को समझिए और पढ़िए, और जितने भी पुराने इनसे संबंधित वीडियोस हैं उनको भी देखने का पूरा प्रयास करिए, जिससे कि और भी चीजें आपको क्लियर हो सके। चलिए आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में। बंद नहीं।